हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट इंटीरियर्स। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे एक एलसे मॉड्यूलर किचन, जो पहले मैंने इसको सिविल वर्क भी चेक काम चेक किया था। ठीक है, पहले चेक किया क्या था इसमें, आपका जो टाइल्स था, जो बिल्डर्स ने जो टाइल्स किया था उसमें टाइल्स हमने हटा नीचे दिया था, और हमने क्या चेक किया, जो लैमिनेट हमने चॉइस चेक किया, नीचे का जो लैमिनेट चॉइस किए हैं उसके साथ लैमिनेट का जो टाइल्स है वो टाइल्स मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने इस टाइल्स को चेंज कर दिया। ठीक है, और ओवरऑल अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा एलसे मॉड्यूलर किचन कैसे हमने नीचे बनाया। ठीक है, पहले हम आपको नीचे दिखाएंगे बेसिन जो है, ठीक है, सिंक है, और सिंक के नीचे हम लोग दो पल्ला नीचे दिए हैं, और पल्ला के एक साइड हमने होल्डर लगाया। ठीक है, डस्टबिन होल्डर लगाया, और उसके बगल नीचे में ये वाला आपका सिलेंडर रखने के नीचे दिए हमने 180 डिग्री इंचेस के साथ पूरा एकदम बैंड चेक किए। ठीक है, और इधर आपका जो जगह नीचे है इसमें हम लोग कटलरी नीचे यूज नीचे किए हैं, और इसका जो नीचे हम लोग प्लेन चे बास्केट यूज किए हैं, और उसका नीचे नीचे ओवरऑल आपका थाली नीचे बास्केट। ठीक है, और एक हमने बोटल प्लाउट 3 इंच रैक के हिसाब से रच्चे लगाया, और उसके नीचे बाद 2 इंच पल्ला, उसके नीचे अंदर एक सेम छमरे यूज किए, और ये जो अच्छा जगह है फ्रिज रखने के लिए अच्छे जगह अच्छे है। ठीक है, और फ्रिज रखने के बाद हम लोगों का जो जगह अच्छा था उसमें हम लोग एक चौड़ाई 34 इंची और हाइट में 14 इंची में एक लैपटॉप केबिनेट हम लोग नीचे बनाया। उसके बाद हम लोग दो पल्ले के साथ एक केबिनेट दिया, अंदर से रैक दिए, इधर भी हम लोग हाइड्रोलिक पल्ला दिए ग्लास के साथ,